हमने प्लान किया कि हम पीर चनासी की तरफ जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बर्फ़ जो है वो अभी वहाँ पर मौजूद होगी, तो ज़रा थोड़ा सा इंजॉय करें। मौसम थोड़ा ख़राब है, थोड़ा सा बारिश के भी चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क लेंगे क्योंकि नीलम में हम बहुत मरतबा जा चुके हैं और लीपा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें मगरब तक वापस आना है, तो पीर चनासी मेरा ख्याल एक बेहतर ऑप्शन है। तो हमारे साथ रहें, आपको साथ साथ एक्सपीरियंस ग्लव्स पहन के आने चाहिए थे, ग्लव्स पहन के आने चाहिए थे, अंदाज़ा नहीं था इतना कि इतना हैवी सीन होगा, ज़्यादा ही हैवी है ना। हाँ, आप तो कह रहे थे बर्फ़ भी नहीं पड़ी होगी। यस, हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी बर्फ़, लेकिन यहाँ तो सीन बड़ा ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा। यही है मिलेगा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे आप मेरे सीन देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक आप देखेंगे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है और स्नोफॉल हो रहा है और बहुत मज़े का हो रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं। कुछ लोग भी और टूरिस्ट भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। पीर चनासी का माहौल जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। देखें आप, फेंस जो है आपकी, ये जो बाउंड्री लगाई हुई है इन्होंने पीएफ वालों ने, ये सारी की सारी बर्फ़ में जो है बिल्कुल दब चुकी है। तकरीबन फेंस के एंड तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और अभी ये मेल्ट हो रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सीज़न की पीक है, अभी ये मेल्ट हो चुकी है तकरीबन काफ़ी हद तक और टूरिस्ट आना शुरू हो गए। हमने एक सोल्जर से बात किया ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि अभी ये सीज़न जो है तकरीबन खुल गया और बर्फ़ काफ़ी कम हो चुकी है, इससे काफ़ी ज़्यादा 10-12 फुट बर्फ़ इधर पड़ी है। तो अभी ये है कि टूरिस्ट के लिए ये ओपन है जगह, फ़िलहाल ये स्नोफॉल इंजॉय की जा सकती है इधर जाके। खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत ही सॉफ्ट है। कितनी सॉफ्ट, आपको कुछ नज़ारा दिखा दो। बर्फ़ का जो ये सीन होता है ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, कोशिश करें इसको अवॉइड करें। इसके मुकाबले में अगर आपको ऐसी जगह मिले तो उसके ऊपर चलें कंपैरेटिवली, क्योंकि वो जो जगह है वो स्लिप करेगी। सारे जूतों में बर्फ़ घुस गई है, लेकिन बर्फ़ में आए और बर्फ़ में लौट पौट ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। मज़ा आ रहा है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कितने मज़ेदार माहौल मिलेगा। सीन बिल्कुल क्लाउडी हो चुका है दोबारा से,
हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। मगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मूड बिल्कुल नहीं था, और लेकिन जुनैद ने थोड़ा सा इनकरेज किया कि हम चलते हैं और स्नोफॉल इन्जॉय करेंगे। लेकिन हम चूँकि इंतज़ाम से नहीं आए, सिर्फ ये एक जैकेट पहनी हुई है, ना ग्लव्स हैं, ना शूज़ प्रॉपर सॉक्स हैं, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लग रही है। तो दिल तो नहीं कर रहा कि इतना खूबसूरत माहौल छोड़ के जो है वो यहाँ से जाया जाए, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हम बाइक पे आए हैं और बाइक पे हमें जाना है। अगर हम ज़्यादा इस बर्फ़ में लोट पोट हुए तो हम बहुत ज़्यादा गीले हो जाएंगे, और वापसी पे जब हम जाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठंड लग सकती है, बीमार हो सकते हैं। लिहाजा बस यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर लिया हमने, बहुत खूबसूरत व्यू था। यहाँ पे कोई फेस्टिवल भी लगा हुआ था, जैसे कि फुटेजेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टार्ट में उन्होंने बाकायदा तौर पे झंडियाँ लगा के उसको बड़ा खूबसूरत बनाया। तो फेस्टिवल चल रहा था, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा थी, अब तो कम हो गई है, लोगों का आना जाना शुरू कर दिया। तो अगर आप इन्हीं दिनों के अंदर आते हैं यहाँ पर पीर चनासी, तो मेरे ख्याल से अगले, आज 28 फरवरी है, अगर आप अगले 8-10 दिन में आएंगे तो आपको अच्छा माहौल, खूबसूरत, मज़ेदार, इन्जॉय किस्म का इस तरह का सीन मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे लेट हुए तो मेरे ख्याल से बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।